दोस्तों कल्की के टीजर का पहला रिव्यू आ गया है और प्रशांत नील ने कल्की का टीजर देख लिया है और टीजर देखने के बाद प्रशांत नील ने जो बात की है उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि टीजर का पहला रिव्यू काफी ज्यादा खतरनाक है। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत नील कहते हैं कि आज तक मैंने इतना खतरनाक टीजर कभी नहीं देखा था। प्रभास इस बार कल्की से बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाएंगे और पूरा भरोसा है कि कल्की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है और इस बार जो पूरी दुनिया में कल्की कलेक्शन करेगी उसके सामने कोई भी मूवी टिकने का पावर नहीं रखेगी। इंडिया हो या फिर ओवरसीज कल्की का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है। हर कोई कल्की का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आदि पुरुष के बाद जो लोग ट्रोल कर रहे थे प्रभास को आज उनका मुंह भी बंद होने वाला है। दोस्तों कल्की एक बहुत ही बिग बजट मूवी है जिसके अंदर बहुत ही आला क्वालिटी के VFX CGI से एक नई दुनिया को बनाया गया है और इस मूवी को मार्वल और DC के स्टूडियो में शूट किया गया है। यहां तक के बातें हो रही है कि इसके अंदर जो एडिटर्स हैं वो भी हॉलीवुड से मंगवाए गए हैं, यानी कि एक-एक चीज के ऊपर डिटेल के अंदर काम हो रहा है। इस मूवी की बजट 600 करोड़ से ज्यादा है। VFX के ऊपर 2021 से काम चल रहा है। इसका मतलब सीधा है कि हर लिहाज से ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के ऊपर काम कर रही है और जिस लिहाज से इस मूवी को सपोर्ट मिल रहा है और इसकी जो बातें हो रही है उसको सुनकर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभास के लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये मूवी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को टक्कर देने का भी पावर रखती है। और आने वाले दिनों के अंदर प्रभास जो कल्की से धमाका करेंगे वो ना बाहुबली से किया होगा और ना ही सलार से किया होगा। दोस्तों क्या लगता है आपको कल्की कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकती है? और दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही है कि कल्की को पोस्टपोन भी किया जा सकता है क्योंकि इलेक्शंस भी आ रही है। लेकिन मैं आपको बता चलूं कि अभी जो कंफर्मेशन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चंद यूट्यूबर्स ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है और मुझे लगता है कि पोस्टपोन नहीं होगा और कल्की को हम 29 मई को ही रिलीज होता हुआ देखेंगे। बाकी इस रिव्यू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।